झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, आज इनके सभी अध्यक्ष और जितने भी इससे सदस्य जुड़े हुए हैं वह आज आए शिक्षा विभाग कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में। तो हम बात करना चाहेंगे कि आज आप लोग आए हैं किस किस मांग को लेकर आए हैं, या कोई मीटिंग है या समीक्षा, उसके बारे में बताइए। हम लोग के आज झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। आज जो जिले के प्रमुख शिक्षक समस्याओं जैसे स्थानांतरण है, ग्रेड 4 ग्रेड 7 पदों पर जिले में एक भी प्राध्यापक कार्यरत नहीं है, ग्रेड 4 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के अनेकों पद रिक्त पड़े हैं जिससे विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बाधित है। सरकार की मंशा रही है कि ससमय प्रोन्नति दिया जाए, लेकिन कुछ चंद विभागीय पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण जो है 2017 के बाद हमारे ज़िले में एक प्रोन्नति लंबित है, 17 से प्रोन्नति नहीं दिया गया है। ज़िले में सारे प्राध्यापक के पद भी खाली हैं, इसके बावजूद प्रोन्नति नहीं दी गई है। तो हम लोग का प्रमुख मांग है कि ग्रेड 4 जो पद पर अविलंब जो है प्रोन्नति दिया जाए। दूसरा है विद्यालयों में चावल जो MDM मिड डे मील योजना चलती है, समय से चावल और राशि का पूरित न होना एक प्रमुख समस्या है। समय से नहीं दिया जाता है, राशि माइनस में चल जाती है, जिसे कारण हमारे शिक्षकों को MDM केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है चलाने में बहुत ही परेशानी होती है। तो हम लोग की एक प्रमुख मांग ये भी है कि समय से चावल और राशि का जो है आपूर्ति किया जाए। तीसरा एक प्रमुख मांग है जो अभी झारखंड सरकार द्वारा विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति ई विद्यावाहिनी ऐप के माध्यम से बनाने की व्यवस्था की गई है, मगर ऐप जो है वो वर्तमान समय काफ़ी कमज़ोर है। शिक्षकों को हाजिरी बनाने में बहुत समस्या आ रही है, अनेक जगह नेटवर्क की समस्या है, बहुत सारे सुदूरवर्ती देहाती क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या है। दूसरा है बैटरी डाउन हो गया है, या जो विद्यालय में टैब सरकार द्वारा दी गई थी सारे टैब खराब हो चुके हैं, और हम लोगों ने कितने बार उसमें पुराना मुख्यमंत्री जो रघुवर दास जी का अभी भी चित्र प्रदर्शित हो रहा है उसको हम लोग हटाने का मांग किया गया था हम लोग के संघ की तरफ से, लेकिन वो आज तक नहीं हटा। तो अधिकांश टैब खराब हो चुके हैं, शिक्षक जो है अपने मोबाइल से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, तो ऐप के चलते ऐप काफ़ी कमज़ोर है, हाजिरी बनाने में समस्या होती है, जिससे उनके वेतन भुगतान में काफ़ी समस्या है, परेशान किया जाता है बेवजह शिक्षकों को। तो एक प्रमुख मांग है कि जिन भी जगहों पर अगर उपस्थिति नहीं बनती है तो कम से कम वो जगह विभाग जांच कराकर उन शिक्षकों का वेतन नियमित रूप से करे। इन सभी मांगों के समर्थन में हम लोग आज हम लोग ने निर्णय लिया है कि जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय से आज, चूँकि शिक्षक समस्या निवारण दिवस प्रत्येक महीने के तृतीय शनिवार को सरकार द्वारा शिक्षा निवारण दिवस है, उस दिन मुख्यालय में प्रत्येक पदाधिकारियों को बैठकर शिक्षकों की समस्याओं को सुनना है, इसीलिए झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज जिला शिक्षा अधीक्षक से मिलने का तय किया है। यदि हम लोग की समस्याओं का निराकरण हम लोग 15 दिन तक अगर नहीं होता है, खास करके प्रोन्नति, तो हम लोग धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। क्या पूरा राज्य भर में हो रहा है कि सिर्फ ये जिला में? ये जिला के लिए है, राज्य भर में नहीं, ये जिला की समस्या को लेकर हम लोग आए हैं। क्या कारण है कि सरकार टेक्नोलॉजी दे रही है लेकिन अधिकारी के पास आता है लेकिन आपके पास ट्रांसफ़र नहीं होता, ऐसे क्यों? देखिए, अभी सबसे अधिक समस्या है गैर शैक्षणिक काम को लेकर। अधिकतर अनेक विद्यालय में आप चले जाइए, कहीं भी शिक्षक जो है रूटीन के हिसाब से पढ़ा नहीं पाते, इतने अधिक का काम का उनको बोझ दिया गया, सारा काम ऑनलाइन होना है, और जिसमें शिक्षक दिन भर परेशान रहते हैं। शिक्षक ही नहीं, पदाधिकारीगण भी रिपोर्टिंग में व्यस्त रहते हैं, उन पर काम का इतना अधिक बोझ सरकार के द्वारा दिया गया है कि काम शिक्षक जो अपना मूल उद्देश्य से भटक गए हैं, जो पढ़ाना है उससे भटक गए हैं, इसी के चलते पदाधिकारी भी मजबूर हैं और हम लोग और ज़्यादा मजबूर हैं। तो सरकार से आपके प्रेस के माध्यम से निवेदन है कि जो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक काम का बोझ न दिया जाए, उन्हें सिर्फ पढ़ाने दिया जाए, शिक्षा की रहने दिया जाए। जिनको पढ़ाई के सिवा दूसरे काम में व्यस्त किया जाता है और उसके लिए शिक्षक पूरी तरह डिस्टर्ब रहते हैं, वो डाटा को कलेक्ट करने के लिए, वो डाटा को सबमिट करने के लिए, और उसके बाद चुनाव आने वाला है। अनेक योजना जो सरकार को उनके अधिकारी उनके टीम के द्वारा करना चाहिए, लेकिन यह काम शिक्षक के द्वारा होता है, और इसका परिणाम यह होता है कि शिक्षक को तो करेंगे क्योंकि उनको तनख्वाह लेना है, लेकिन वह बच्चे जिनको शिक्षा देना है वह बच्चे का शिक्षा पूरी तरह भविष्य अंधेरे में है। हम स्मार्ट शिक्षा की बात करते, स्मार्ट स्कूल की बात करते, करना चाहिए, नया टेक्नोलॉजी की बात कर रहे, करना चाहिए, लेकिन वह शिक्षा
जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षक अगर समस्या ग्रसित हो तो ये लगता है कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की वह दुर्दशा है जिसको कल्पना नहीं किया जा सकता है। शिक्षक अगर अनशन में हड़ताल में अपनी मांग को करे तो आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था क्या है। यह व्यवस्था झारखंड की पूर्वी सिंहभूम के है। हमें लगता है कि यहाँ के अधिकारी इस विषय में सोचे, क्योंकि वह पढ़ के जब आए होंगे तो वह भी कभी स्टूडेंट होंगे, वह भी शिक्षा होंगे, लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं क्या उस अधिकारी बन सकेंगे कि नहीं बन सकेंगे, यह कोई विश्वास नहीं, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति जो आईना दिखा रहा है उससे हमें लगता है कि गुणवत्ता शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। सरकार इसमें सोचे, शिक्षा मंत्री इसमें सोचे, शिक्षा सचिव इसमें सोचे, वहाँ के विधायक स्थानीय जो संसद है वह भी सोचे, लेकिन यह समस्या गंभीर है। शिक्षक तो आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन इनके साथ जनप्रतिनिधि और जनता को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।